हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोग इस वीडियो में एक नए फॉन्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में तो देख लिया किस तरह का फॉन्ट होने वाला है, तो चलिए फटाफट टाइम न लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना है, आपको जो अपने क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इधर पर सर्च बार पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इधर पर जो है अकुरदेव कन्वर्टर लिख के सर्च करना है। और हाँ दोस्तों, दोनों फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा, लेकिन उसमें जो है पासवर्ड लगा हुआ है, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको वीडियो में ही पासवर्ड बताया जाएगा। चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इधर पे दोस्तों आपको एक www.pramukhphoneconverter.com का एक वेबसाइट देखने को मिलती है, इधर पे देख सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इस वेबसाइट का लुक नज़र आता है। तो इधर पर अभी आपको करना क्या है दोस्तों, आपका जो सेकंड वाला बॉक्स है यूनिकोड करके लिखा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो इधर पे अपने कीबोर्ड को जो है इंग्लिश में रहेगा, तो आपको हिंदी में करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप इधर पे देख सकते हो। हिंदी में करने के बाद दोस्तों इधर पे चलिए आपको लिखना है, तो जो कुछ भी आपको लिखना है, जिस गाने का टाइटल लिखना है आपको वो लिख लेना है इधर पे। तो मैंने आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में वही लिखता हूँ मैं, चलिए इधर पे। तो दोस्तों इधर पे जो मेरा लिख के हो चुका है कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो अभी आपको करना है, आपको नीचे वाला जो एरो, दो एरो देखने को मिलता है आपको, नीचे वाले एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको जो फर्स्ट वाले बॉक्स में यूनिकोड देखने को मिलता है, आपको इस यूनिकोड को जो है सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। तो चलिए इस पर जो मैं सिलेक्ट करता हूँ यूनिकोड को, सिलेक्ट करने में मतलब इधर कॉपी का ऑप्शन में क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। और अभी आपको करना है, आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको दोस्तों अपना जो है पिक्सल लैब एप्लीकेशन को जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो है इधर पे कैंसिल करना है। उसके बाद न्यू टेस्ट जो लिखा गया है उसको आपको डबल क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको जो इधर पे इसको टेक्स्ट को हटाना है, उसने आप जो आपने उधर से कॉपी किया है उसको इधर पे पेस्ट करके आपको इधर पे जो है डन करना है। डन करने के बाद आपको ओके कर देना है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। अभी आपको जो है इस एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इधर पर जो है चले आना है फॉन्ट के ऑप्शन पर। फॉन्ट के ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों आपको इधर माई फॉन्ट के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपने इधर पे जो फॉन्ट ऐड किया हुआ है, आपको मैं बता दूँ कौन कौन सा फॉन्ट इधर पे जो है यूज किया हुआ था थंबनेल में मैंने, और मैंने आपको अपने दिखाया हुआ था। तो इधर पे मैंने पहला जो फॉन्ट था ये वाला था, इसको मैंने इधर सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके कर दिया इधर से कुछ इस तरह से देख सकते हो दोस्तों। और अभी आपको इधर पर करना है, आपको इधर पर जो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इधर पर जो इसका ये जो कलर आप देख रहे हो, इसका एक कलर का एक और कलर लेना है। इसके बाद आपको इधर पे जो इसको जो इस साइड लेके आना है कुछ इस तरीके से, और इसको बीच में रहना है और इसको साइड में ही लगाना है। और इस पर क्लिक करके आपको जो इस कलर पिक पे जाना है, और आपको इसको थोड़ा सा कुछ इधर डार्क कर देना है, ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो बीच वाला कलर है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कलर पिक पे जाना है, जाने के बाद आपको जो इसमें ब्लू कलर डालना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको जो ब्लू कलर डाल लेना है। डालने के बाद आपको इधर पे ओके करना है, उसके बाद आपको इधर से भी ओके कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा जो सभी फ़ॉन्ट में वर्क कर रहा है। और इधर मैं चलिए डबल क्लिक करता हूँ, और जो इस तरह से एक फ़ॉन्ट को जो मैं इधर से सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इधर मैं कट करता हूँ और इधर मैं डन करता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें जो मेरा कलर थोड़ा मुझे लग रहा है ज़्यादा डार्क हो गया, जब कलर के ऑप्शन में जाता हूँ प्लस के आइकन क्लिक करता हूँ, और इधर से मैं जो है वापस से ऐसा कुछ सेट कर दे रहा हूँ। और इधर से मैं जो एक और कॉपी लेता हूँ कलर का प्लस का, और इधर पे जो इसको यहाँ पे लाता हूँ कुछ इस तरह के साइड में, और इधर मैं प्लस के आइकन पे सॉरी दोस्तों इधर मैं कलर पिक भी जाता हूँ, और इधर से मैं जो है एक और कलर पिक करता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके कर देता हूँ, और इधर से भी मैं ओके कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा जो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बन चुका है। अभी मैं जाता हूँ इधर से जो है इस स्टॉक की ऑप्शन पे, इसको इनेबल करता हूँ। उसके बाद इधर पे जो है वाइट कलर का स्टॉक डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो डालने के बाद इधर पे मैं ओके कर दे रहा हूँ, और इसका जो मैं एक कॉपी लेता हूँ, उसके बाद आपको इधर पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, और इस टेक्स्ट को जो है इधर से हटाता हूँ, और मैंने आपको जो पहले कट किया था उसको मैं इधर पे पेस्ट करता हूँ, उस पर डन करता हूँ मैं, इधर पे ओके कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों अभी आपको इधर पे करना क्या है, अभी आपको इसको कट कर देना। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, आपको इधर पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। इधर पे आप देख सकते हो लोगो कुछ इस तरह का एरो टाइप का लोगो है, तो आपको इस ऐप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का लोगो देखने को मिलता है। इधर पे दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यूनिकोड टू सी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो, आपको उस ऑप्शन जो है क्लिक करना है। जिससे दोस्तों आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इधर जो कुछ भी लिखना चाहते हो आपको हिंदी में टाइपिंग करना है। चलिए मैं आपको जो जिस टेक्स्ट के बारे में बताने वाला हूँ मैं वही टेक्स्ट इधर पे जो है लिख लेता हूँ। इधर मैंने नथिया लिखा, नथिया करके था, और इधर पे बिंदी भी लगा हुआ था कुछ इधर पे। चलिए मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कहाँ पे है। इधर पे कुछ इस तरीके का बिंदी था, और इधर मैं डॉट डाल लेता हूँ।
कुछ इस तरीके का दोस्तों लिखा गया था और इधर मैंने लिख लिया है। अभी आपको करना क्या है, आपको इधर यूनिकोड टू श्रीदेव का बीच में ये ऑप्शन मिलता है, आपको इस ऑप्शन में जो है इधर भी देख सकते हो, आपको इस ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर भी जो कॉपी का ऑप्शन क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको इसको कट करना है। कट करने के बाद दोस्तों अभी आपको इधर भी जो है अपने पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस टेक्स्ट को जो है क्लिक करके कॉपी लेना है इसका। उसके बाद आपको इधर पे जो डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस टेक्स्ट को हटाना है दोस्तों। आप उसके बाद आपने जो है कॉपी किया उसको पेस्ट करना है इधर पे कुछ इस तरीके से, डन करना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों आपको करना है, आपको इधर पर जो है फॉन्ट की ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर पर फॉन्ट का नाम जो है सर्च करना है। चलिए मैं आपको इधर सर्च करके दिखाता हूँ कि उस फॉन्ट का नाम है जो नंबर टाइप में है, तो यस मैं लिखता हूँ और इधर पर 074 करके नाम था, उस पर नेक्स्ट करता हूँ। और इधर पे देखते हैं फॉन्ट आया है कि नहीं इधर पे। फिलहाल तो मेरे पास मुझे जो पूरा नंबर याद नहीं। इधर पे देखते हो दोस्तों फॉन्ट आ चुका है, इधर पे देखते हो 07490 करके नंबर टाइप में है। तो इधर मैंने इस फोन को लिया कुछ इस तरीके से और इस फोन को यहाँ पे रखता हूँ और इसको जो बीच में डालता हूँ कुछ, इसको पहले चलिए नीचे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको जो मैं बीच में डालता हूँ कुछ इस तरीके से, और इधर पे इस टेक्स्ट को जो है इधर पे रहने देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इधर पे मैं तो इधर पे जो मेरा ये टेक्स्ट लिखते हो आप इस इधर साइड में आपको कटा हुआ दिख रहा है, तो इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और इधर पे चलिए मैं स्पेस डाल देता हूँ, उस पर डन करता हूँ, उस पर ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो टेक्स्ट है अभी आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इसको इस तरीके से सेट कर लेता हूँ जैसा कि आपको सेट करना है कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको थंबनेल में दिखाता हूँ कुछ उसी तरीके, चलिए मैं इधर पे सेट कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ पर रखता हूँ, और इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। अभी जो मेरा टेक्स्ट है बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है बनके, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हुआ था। थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जो बीच वाला टेक्स्ट है वो थोड़ा उसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इधर पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इधर पे मेरा जो टेक्स्ट लगभग तैयार हो चुका है दोस्तों, और इधर पे जो ये वाला टेक्स्ट है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। और इधर पे चलिए इस लेयर पे ऑप्शन में जाता हूँ मैं, इस पे जो बीच वाला इधर पे जो नीचे आपको सर्कल बना हुआ है इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद तीनों लेयर को सिलेक्ट करके मैं इस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद सभी लेयर जो एक में हो जाते हैं। अभी मैं जाऊँगा इधर एक ही बाजू वाले ऑप्शन पर, जाने के बाद इधर मैं जाता हूँ शेडो के ऑप्शन में। जाने के बाद इसको इनेबल करता हूँ मैं, उसके बाद मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ इधर से, और इधर से मैं थोड़ा ब्लैक रेडियस कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ अपने हिसाब से, जैसा भी आपको सेट करना है कर सकते हो अपने हिसाब से ही है। तो दोस्तों इधर पे जो मेरा लगभग टेक्स्ट है बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं जो इधर स्ट्रोक कलर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं इस पर क्लिक करके, और इधर पे आप देख सकते हो अभी जो मेरा टेक्स्ट है बिल्कुल लगभग बनके तैयार हो चुका है। और दोस्तों इस फोन का लिंक, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, दोनों फोन का लिंक जाके आप डाउनलोड कीजिए, और इधर मैं आपको पासवर्ड भी देख सकते हो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जाइए दोस्तों आप इस फोन को डाउनलोड कीजिए और पासवर्ड डाल के ओपन कीजिए और आप यूज़ कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दीजिए ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।